सताक्षी, वो दिखे जो ब्लैक कपड़ों में, वो मेरे भैया है और ये रेस्टोरेंट उन्हीं का ही है। ये रेस्टोरेंट उनका है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें किस एंगल से वो इस रेस्टोरेंट के मालिक लग रहे हैं? वो वेटर का काम कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ऑनर है इस रेस्टोरेंट के। तुम्हें मैं मिली थी झूठ बोलने के लिए, वो भी इतना बड़ा झूठ। सताक्षी, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ तो हाथ ना उठाओ तो आंटी उतारू तुम्हारी। मुझे लगा था तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम अमीर हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, और अब तुम्हारा भाई एक वेटर का काम कर रहा है। अच्छा तो तुम मेरे साथ इसलिए थी कि मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, यानी हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इंसान से कोई प्यार कर सकता है? तुम जैसे गरीब से मैं प्यार करूंगी? आइंदा ना मुझे कॉल मैसेज मत करना, मुझे नहीं डरना तुम जैसे गरीब के साथ। अरे सताक्षी, सर आप क्यों प्लेट उठा रहे हो सर? इतना सारा स्टाफ आया हुआ है। नहीं, इट्स ओके हर्ष। एक्चुअली क्या है, मुझे काम करना पसंद है और इन प्लेटों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। तुम्हें पता है मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं एक छोटे से ढाबे पे काम करता था और आज देखो इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। और मुझे सिर्फ एक रेस्टोरेंट तक ही नहीं रुकना, आगे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं, इसलिए मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए भी बताना चाहूँगा, अगर लाइफ में तरक्की करना चाहते हो ना तो हमेशा नीचा बन के रहो, क्योंकि जो इंसान के सर तरक्की चढ़ जाती है ना वो बहुत जल्दी नीचे भी आते हैं। इसलिए मुझे पसंद है काम करना ताकि मैं अपनी नींव ना भूल। और इट्स ओके, मैं रख के रहा हूँ, तुम बाकी काम करो ना। एक मिनट सर। को ट्रीट करते हो, स्टाफ को ट्रीट करते हो, जैसा आपका बिहेवियर है सर, ये आपको और आगे तक लेके जाएगा। और सिर्फ ये रेस्टोरेंट नहीं, आपके और भी रेस्टोरेंट्स होंगे। वाकई सर आज आपने ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया है, और देखना मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, और आपको भी मुझ पर प्राउड होगा। आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ पता? मैंने आपको बोला था ना कि एक लड़की है सताक्षी, जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ लेकिन तू तो उससे मिलवाने के लिए लेकर आने वाला था ना। आई थी वो आज, पर उसने कुछ ऐसा देख लिया ना कि वो मेरे को छोड़कर चली गई। वो जब मैं उसको लेकर आ रहा था ना तो आप किसी और की ना प्लेट उठा रहे थे उस वक्त रेस्टोरेंट में, और उसको ना लगा कि आप ना वेटर हो। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, और वो मेरे को इतना सुनाता रहा, चली गई, ब्रेकअप करके भी चली गई मुझसे। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो हर्षी, तू इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारा भाई प्लेटें उठा रहा है, लेकिन सच ये नहीं था, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि शादी करने से पहले उस लड़की की असलियत तेरे सामने आ गई। देख मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही है या नहीं। और चल अब रोना धोना बंद कर, खाना लग गया, खाना खाते हैं। हर्षित की इतनी हिम्मत कि इसने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर हर्षित तो मिलेगा नहीं, इसके भाई की क्लास लगाती हूँ, यही काम करता है ना ये, अभी बताती हूँ इसको। वेटर तुम नहीं, उस वेटर को बुलाओ। दूसरा वेटर मैम, आप मुझे बताइए ना, मैं आपके लिए लेके आती हूँ।
परसों वो यहाँ पे वेटर का काम कर रहा था, ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसने, उसी को बुलाओ। ब्लैक कपड़ों में वो हर्षित का भाई। हर्षित का भाई? तो मैम यहाँ पे कोई वेटर नहीं है। ओ, कहीं आप हर्षित भल्ला की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ मैम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हर्षित भल्ला के भाई इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो कोई वेटर नहीं है। मालिक? अरे वो परसों वेटर का काम कर रहा था और वो वेटर ही है, उसको बुलाओ जल्दी से। देखिए मैम, आप हमारी कस्टमर हैं और कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सर के बारे में कुछ भी बोलती जाएंगी। मालिक है क्या महेश, इस बारे में बहस चल रही है? सर देखिए ना, ये आपको वेटर बोल रही है। हाँ तो क्या हुआ, सही तो बोल रही है। अब एक वेटर को वेटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आएगी, तुम यहाँ के वेटर हो तो सब तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? मैम अब बहुत हो गया, अब तो सर खुद चल के आए हैं, फिर भी आप इनको वेटर वेटर बोले जा रहे हो। वैसे मैम आपको मैं एक बात बोलूं, इंसान का पेशा ना कुछ भी हो, वो चाहे ओनर हो या वेटर हो, रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है ना। और मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को इज्जत मिलनी चाहिए, काम के बलबूते पे नहीं, उसकी काबिलियत के बलबूते पे। वैसे मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाई से प्यार नहीं था, उसके पैसे से प्यार था, और मैं कभी भी हर्षित को ना उस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा जो उसके पैसे से प्यार करती है और उसके अच्छे वक्त से प्यार करती है। और सही पार्टनर वही होता है जो उसके बुरे वक्त में भी साथ दे, ना कि पैसा देखकर आए। जो प्यार पैसों के बलबूते पे टिका होता है ना, वो सिर्फ चंद पलों का होता है। पैसा गया तो प्यार गया। और सताक्षी, यहाँ पर बात पैसे या प्यार की नहीं है, यहाँ पर बात है इज्जत की। और हम किसी के पेशे से जज नहीं कर सकते कि उसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। और काम तो इंसान का कुछ भी हो सकता है, शायद वेटर हो या मालिक, और इंसान बड़ा बनता है अपनी मेहनत से। मुझे ही देख लो। यार। Oh my God! Wow! हर्षित, फड़ा कार। You wanna ride? अरे नहीं भाई, हमें से ऐसे ही देख रहे थे। चुप करो तुम। Yes, why not? Actually I'm new here और मैं यहाँ पर business setup करने वाला हूँ। अगर हम साथ जाएंगे तो जान भी लेंगे एक दूसरे को। बेबी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम मेरी girlfriend हो, तो तुम इन्हें जानती भी नहीं हो, तुम इनके साथ कैसे जा सकती हो? Come on, let's go. चुप करो तुम। तो आप डिसाइड करो, योर प्लेस या माय प्लेस। बेबी ये तुम क्या कर रही हो? हम इन्हें जानते तक नहीं है और तुम इनके साथ कैसे राइड पे जा सकती हो? बेबी तो क्या हो गया, कितने टाइम लगते हैं किसी को जानने में, पर शुरू शुरू में तो सब अनजान ही होते हैं ना। मुझे जाने दो, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इन्हें जानते भी नहीं है और तुम ऐसे किसी अनजान बंदे के साथ कैसे जा सकते हो घूमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम उतरो गाड़ी में से। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम्हारी आवाज ना हमारे कानों तक आ नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो गाड़ी के एग्जॉस्ट की आवाज है। अरे बेबी यार तुम छोड़ो ना, तुम चलो ना, तुम किन की बातों में आ रहे हो, तुम आओ यार। बेबी देखो, मैं आज तक ऐसी कार में नहीं बैठी और तुम्हारे पास तो कोई कार भी नहीं है। तुम ज्यादा जिद मत करो, मुझे जाने दो बस, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। लिसन,
आज रात में तुम्हारी बेबी बहुत फन करने वाली है, तो तुम्हें मैं लोकेशन बता देता हूँ, अगर तुम भी इंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन जॉइन अस। ये रही लोकेशन, और हाँ टैक्सी करके आ जाना, चले। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। अरे 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या ऑप्शन आप बके जा रहे हो? मैं और तुम सिर्फ दोस्त है, समझे? जाओ यहाँ से। हेलो मिस्टर, वैसे भी तुम इस लड़की को इस बुके के अलावा दे भी कह सकते हो। अरे लड़की की कुछ ख्वाहिशें होती है, शी नीड्स मनी, और तुम ठहरे गरीब। अब सुन लिया ना, जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जाओगी तो तुम यहाँ से। क्यों? मतलब? मतलब कि ये पता कौन है? ये मेरे सगे बड़े भाई, और मैंने और भैया ने ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेने की कोशिश की थी, और गेस व्हाट, वही हुआ। हर्षित रुको, ये मैडम काफी कंफ्यूज लगती है, इनकी कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। वो एक्चुअली क्या है, मेरा छोटा भाई है, और इसने आपके बारे में मुझे बताया था कि भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, तो मेरे भाई से कोई भी लड़की ना प्यार का नाटक कर सकती है। तो मैंने इसको एक टेस्ट लेने के लिए बोला, और देखो रिजल्ट हमारे सामने है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुमने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पे पानी फेर दिया। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ हमेशा साथ निभाओगी, मेरा साथ दोगी, लेकिन तुमने ना। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मैं फेंक गई थी बस। इनको तुम बाहर जाने के लिए बोलोगी या मैं बोलूँ? हर्षित मैं ये पकड़ो, यू जस्ट लीव नाउ। हर्षित एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। हैश प्लीज यू जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मुझे माफ कर दो, मैं बैग गया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब आप जिससे भी शादी करने के लिए बोलोगे ना, मैं उसी से ही करूंगा। हर्षित शादी का डिसीजन मैं लूंगा, लेकिन लड़की तो तू सेलेक्ट करेगा ना, और क्या हुआ अगर ये लड़की अच्छी नहीं तो कोई और अच्छी मिल जाएगी, देखना मेरा भाई हैंडसम भी तो इतना है।